अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी बॉय निकर शर्ट की खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है शेयर करूंगी। तो ये जो सूट है ये मैंने लेफ्ट ओवर पीसेस से ही रेडी किया है। तो सबसे पहले इसकी निकर शेयर कर लेते हैं। ये देखें, ये खूबसूरत सी इसकी निकर मैंने रेडी की है। तो ये जो निकर है, जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं उसमें से जो पीस निकलता है, इस तरह से जो पीस निकलता है उसी पीस से ये निकर हमने रेडी की है। ये देखें, इसका पाँचा तकरीबन 8 इंचेस चौड़ा है। और यहाँ पे ये देखें, शर्ट का जो पीस है वो मैंने लगाया है इस तरह से, चेपी पे कट बना के, तो उसको कपड़े पे लगा के, तो जिस तरह हम गला बनाते हैं कमीज़ का, उस तरह से उल्टी साइड पे इसको रख के बना के, तो फिर इसको सीधी साइड पे ले आए हैं और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दी है। और ये देखें, ये मैंने शलवार के बचे हुए पीस से रेडी किया है। तो सेंटर में इसके जोड़ आया साइड पे, तो ये देखें उस जोड़ पे पहले इस तरह से पॉकेट्स को लगाया है, जोड़ के ऊपर पहले इस तरह से पॉकेट को लगा के, तो फिर उस बाद में हमने इन दोनों को आपस में जोड़ के, तो फिर यहाँ से जो आसन की सिलाई है वो लगाई है। आसन की सिलाई लगाने के बाद ये देखें, लेंथ में थोड़ी सी कम थी, तो फिर मैंने शर्ट का पीस जो है वो ले के, तो ये देखें तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है, यहाँ तक 4 इंच का पीस लिया, फिर उसको लगाया, तो तकरीबन डेढ़ इंच जो है यहाँ पे टोटल बच गया है, आधा आधा इंच सिलाई में गया। तो फिर इसमें इलास्टिक लगाया है। इलास्टिक लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से ये जो है डोरी लगा दी है सामने, तो कोई भी डोरी ले सकते हैं। ये भी मैंने, मेरे पास ना पुराना एक था कोट, उसकी उतारी थी, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा ली है। आप सिंपल डोरी लेके उसको सिंपल यहाँ पे सिर्फ नाट लगा के, तो वो भी लगा सकते हैं। ये लगाने से इसकी जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से खूबसूरत सी जो है वो शर्ट रेडी कर ली है, और निकर रेडी कर ली है। जो शर्ट है इसकी, ये मैंने सिंपल जिस तरह से हम नॉर्मल कमीज़ की फट्टी बनाते हैं, बैन बनाते हैं, उसी तरह से बनाया है। आप दूसरी शर्ट जो है, इसमें मैंने ये डिज़ाइनिंग करनी थी ना, इसलिए मैंने दूसरी शर्ट नहीं बनाई टोटल लेंथ वाली। तो इस तरह से मैंने शर्ट बनाई है, छोटे छोटे से इसके चाक रखे हैं और बाजुओं पे सेम निकर वाले स्टाइल में, ये देखें निकर का कपड़ा जो है वो हमने इस तरह से लगाया है कट लगा के, तो फट्टी लगा के, फट्टी जो है ये मैंने नोक वाली बनाई है, और ऊपर फिर बैन लगा दिया है। आप कॉलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस डिज़ाइनिंग की वजह से ये मैंने दूसरी शर्ट नहीं बनाई, वरना दूसरी शर्ट भी हम बना सकते थे, तो वो अगर वो बनाते तो फिर ये डिज़ाइनिंग जो थी ना वो साइड पे करनी पड़नी थी, तो इसलिए। तो इसकी जो कटिंग है, ये देखें बेबी बॉय जो है कुर्ता की कटिंग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सेम उसी कटिंग से मैंने इसको किया है। और तीरा मैंने इस पर नहीं लगाया, ये देखें बिल्कुल भी तीरा नहीं लगाया। आप लगाना चाहें तो तीरा भी लगा सकते हैं इस तरह से। और इस पर ये जो हमने, ये देखें जो मैन बनाया है, और इसकी ये जो मूछें बनाई हैं और इसकी कैप बनाई है, ये मैंने चेपी पे काट के, तो उसको कपड़े पे अप्लाई किया है। कपड़े पे अप्लाई करने के बाद नीडल की मदद से, जिस तरह हम एप्लिक वर्क करते हैं उस तरह से इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। ये देखें इस तरह से चिपकाने के बाद, फिर सुई के साथ साथ सीधा करके, तो ये देखें उल्टी साइड पर इस तरह से छोटे छोटे से स्टिचस हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसकी आइज़ लगाई थी, आइज़ लगाने के बाद ये देखें इसकी मूछें लगाने के बाद, फिर ऊपर कैप लगा दी थी इस तरह से, और ऊपर लास्ट में बिल्कुल लगाने के बाद ये देखें वाइट कलर के धागे से, चमक वाले धागे से, सिल्क धागे से इसकी आइज़ जो है ये बना दी हैं। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी निकर शर्ट जो है वो, ये भी मैंने लेफ्ट ओवर पीसेस से ही शर्ट रेडी किया, एक पीस मेरे पास बचा हुआ था लंबाई में काफ़ी, तो ये देखें इस तरह से बनाया है, और बाजू इसके हाफ बनाए हैं निकर के साथ। मुझे तो हाफ बाजू ही अच्छे लगते हैं, आप अपनी मर्जी के भी बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी निकर शर्ट जो है वो हमने रेडी की है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।